गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो सुबह के 9:18 हो चुके हैं, तो पानी पीने के बाद मैं लेती हूँ ग्रीन टी, ज़्यादा नहीं कम, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है और मेरा पेट थोड़ा सा निकल रहा है, इसलिए मैं पी रही हूँ। तो सुबह का मेरा यही रहता है, ग्रीन टी आराम से बैठ के पीना, उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। गाइस, आज है पैनकेक्स विथ ड्राई फ्रूट्स। आप देख सकते हो टॉपिंग में, एक्चुअली ये मेरा दी का रेसिपी है, तो आज मैंने खुद से ट्राई किया है। अगर आप ये रेसिपी जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो उसके चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे सुमन्स देसी किचन, मैं लिंक डाल दूंगी, आप जाके सब्सक्राइब करना। और ये जो यमी सा ब्रेकफास्ट है ना, आप भी बना सकते हो अपने घर पर। तो आज मैं यही करने वाली हूँ, तो यमी सा ब्रेकफास्ट, और चलिए इसको खाते हैं। तो गाइस, ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे कुछ पीने का मन किया, तो मैंने फ्रिज में से उठा लिया एलो फ्रूट कीवी का। इसमें एलोवेरा है, तो आपके लिए हेल्दी है, कोक कोल्ड ड्रिंक से तो अच्छा है, इसको आप कंज्यूम कर सकते हो अगर आप हेल्दी डाइट फॉलो करें हो तो। ये बहुत ही अच्छा कोल्ड ड्रिंक है और मज़ा भी आता है पीने में। तो वेनेस्टे स्पेशल थाली में आज है फिश फ्राई एंड मालाबार स्पिनच एंड श्रिम्प का मिक्स वेज है, और दाल है एंड राइस है आज के लंच में। तो आज स्पेशल डिश है और थाली हमारा इंडियन है, तो हाथों से खाने का जो मजा है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं आज इसको हाथों से खाने वाली हूँ, काफी मजा आएगा। तो पहले हमारा ये जो दाल और सब्जी को साइड में लगा देती हूँ, और थोड़ा सा दाल मिक्स करेंगे एंड थोड़ा सा सब्जी, ऐसे हाथों से। हाथों में खाने का मजा ही कुछ और है, हम इंडियंस हाथों से खाना ज्यादा प्रिफर करते हैं, क्योंकि खाने टाइम कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा स्पून के हाथ ही काफी है। सो लंच के थोड़ी देर के बाद मैं पीती हूँ याकूट का ये प्रोबायोटिक ड्रिंक, काफ़ी अच्छा है फॉर अडल्ट एंड बच्चे के लिए भी, डाइजेशन इम्यूनिटी के लिए काफ़ी अच्छा है, तो आप ही ट्राई कर सकते हो। बहुत दिनों से मैं पी रही हूँ, काफ़ी अच्छा मुझे लगा इसका टेस्ट भी एंड बहुत ही अच्छा काम भी करता है। इनमें इसको खाने के बाद पी सकते हो, काफ़ी अच्छा टेस्ट है, यू नो लस्सी जैसा इसका टेस्ट है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो अगर आप भी ट्राई करना चाहते हो अच्छा डाइजेशन के लिए, इम्यूनिटी के लिए, क्योंकि आजकल इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, तो बेसिकली इट्स अ फर्मेंटेड मिल्क एंड थोड़ा सा लस्सी टाइप का फ्लेवर भी आता है, तो काफी टेस्टी है। और इवन ये मिल्क से बना है, फर्मेंटेड मिल्क है, तो बच्चे भी ट्राई कर सकते हैं और अडल्ट भी ट्राई कर सकते हैं, दोनों के लिए काफी अच्छा है। तो मेरा लंच खत्म हो चुका है, तो अभी मैं करने वाली हूँ शूट, और अभी मैं करने वाली हूँ फ्लिपकार्ट ड्रेसेस के हॉल। मुझे सुबह ही काफी सारे मुझे रिसीव हुए हैं जो मैंने ऑर्डर किया था, तो अभी मैं सोच रही हूँ उसका ही हॉल शेयर कर दूँ आपके साथ, मतलब वीडियो शूट कर दूँ और आपको बाद में देखने को मिलेगा। और अभी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे और जो हॉल है वो बाद में आपको देखने को मिलेगा, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। तो अभी मैं जा रही हूँ मेकअप करने और फटाफट अपना जो शूट खत्म करके आपसे मिलती हूँ सीधा स्नैक्स टाइम में, ठीक है। आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा मैंने दिन भर में क्या खाया, तो अभी सूट खत्म ही हुआ है, आई एम एग्जॉस्टेड लाइक एएफ, और अभी मुझे चाहिए चाय। यहाँ पे बैठे बैठे ही मैंने सूट खत्म करा एंड मुझे अभी बहुत ही आलस आ रहा है कि मैं मेकअप उतारूँ। थैंक यू सो मच दी, सो हियर इज माय टी। तो देख सकते हो शाम का जो चाय है आ चुका है, तो मैं अपना चाय खत्म करके आपसे मिलती हूँ, ठीक है, बाय। ऑलराइट, सूट खत्म हो चुका है एंड मैंने अपना जो मेकअप है
निकाल लिया है, सो लेट्स डू सम स्किन केयर. तो रिसेंट में क्या प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, लेट मी शो यू. सो गाइस, मैं यूज कर रही हूँ ममाअर्थ का विटामिन सी फेस वॉश विद विटामिन सी एंड टर्मरिक. तो इसमें विटामिन सी जो है कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, एंड टर्मरिक जो है एक्ने को कंट्रोल करता है, स्किन को ब्राइट करता है. जैसे कि आपको पता है ममाअर्थ के सारे प्रोडक्ट डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं, फ्री फ्रॉम पैराबेन, टॉक्सिन एंड मिनरल ऑयल्स होते हैं, और ये सारे स्किन टाइप के लिए बहुत ही अच्छा है. अगर आप भी चाहते हो आपको एक्ने फ्री वाला फेस चाहिए, इल्यूमिनेटिंग ग्लोई स्किन चाहिए, तो आप ये वाला फेस वॉश ट्राई कर सकते हो. बहुत ही अच्छा है एक्ने के लिए भी, स्किन को लस्टर एंड ग्लोई बना देता है. एज यू कैन सी गाइस, माय स्किन इज ऑलरेडी ग्लोइंग. तो नेक्स्ट मैं यूज करी हूँ ममाअर्थ का स्किन इल्यूमिनेटिंग फेस सीरम विथ विटामिन सी एंड टर्मरिक फॉर रेडियंट स्किन. तो गाइस, ये भी पैराबेन फ्री, सिलिकॉन फ्री, डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड एंड सूट्स ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए है. एंड मैं अच्छे से अपने हाथों पे ले लेती हूँ, अच्छे से फेस में डॉट करके अपने फेस में, नेक में अच्छे से अब्जॉर्ब कराती हूँ. इट फील्स सो गुड, सो स्मूथ. एंड ये इसमें भी विटामिन सी है जो फाइन लाइंस को रिड्यूस करता है, स्किन टेक्सचर को स्मूथ करता है. टर्मरिक जो है एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इंफ्लेमेटरी कॉम्पोनेंट होता है, जो स्किन को नेचुरली ग्लोई बनाता है, लस्टर बनाता है. अच्छे से मसाज करने के बाद देख सकते हो माई स्किन इज ग्लोइंग. ममाअर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है. जब भी आप उनके वेबसाइट से परचेज करते हो ना, तो आपका जो ऑर्डर को वो एक वेबसाइट में ट्री के साथ लिंक करते हैं, उसके बाद वो ट्री को लगाते हैं और एग्जैक्ट जियो लोकेशन के साथ स्पीशीज क्या है ट्री का वो सब आपको भेजते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है. सो ममाअर्थ के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे नायका पर्पल एंड अमेजोन पे फॉर अडल्ट्स, ऑल्सो उनके ममाअर्थ के ऐप में भी मिलेगा, और बच्चों के लिए आप फर्स्ट क्राई अमेजोन एंड ममाअर्थ.in पे भी परचेज कर सकते हो. सो गाइस, ममाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स जो है हार्मफुल केमिकल से फ्री होते हैं और सारे नेचुरल होते हैं. तो गाइस, आप मेरा कोड यूज कर सकते हो विच इज संजना 2022 और आपको मिलेगा 20% ऑफ फ्रॉम ममाअर्थ.in. तो गो ग्रैब योर प्रोडक्ट राइट नाउ. तो गाइस, अभी स्नैकिंग टाइम है, 6:21 हो गया शूट करते करते. तो दीदी ने बनाया है बहुत ही यमी मोमोज और ये काफ़ी यमी लग रहा था और क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो दीदी ने ठीक टाइम पे बनाया. मैं तो मज़े से खा रही थी गाइस. और किस किस को मोमोज पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. आई एम एंजॉइंग माई मोमोज राइट नाउ. बहुत ही यमी लग रहा था यार सच में. फाइनली गाइज, अभी मैं करने वाली हूँ डिनर और रात के बज गए हैं अभी 10, क्योंकि बहुत सारा काम था. काम ख़त्म करने के बाद मुझे मन ही नहीं कर रहा था कुछ खाने का, तो क्योंकि लंच बहुत हैवी हो गया था, तो मैं ऐसे ही दूध पी के सोने वाली थी. बट मुझे थोड़ा सा पिज्ज़ा का क्रेविंग हो गया, तो मैंने सैंडविच पिज्ज़ा बनाया है, जिसका रेसिपी मेरे दीदी के चैनल पर है, क्योंकि उससे ही मैंने सीखा है. तो फटाफट से बना लिया, लेट मी शो यू. तो ये है गाइस पिज्ज़ा, ब्रेड पिज्ज़ा और रसमलाई जो है ना, मैं लंच में खाने वाली थी, बट तभी इतना मैं स्टफ्ड हो चुकी थी खा के कि मुझे मन ही नहीं किया. उसके बाद मेरा ये बॉर्नविटा वाला दूध, ये हमेशा ही रहता है, मुझे अगर मन नहीं करता है ना, बस यही पी के मैं सो जाती हूँ. तो अभी मैं करने वाली हूँ मेरा डिनर फटाफट. तो इसमें टॉपिंग दिया गया है वही पनीर है, टमाटर है, प्याज है एंड थोड़ा सा ओरिगैनो वगैरह स्प्रिंकल करके उसको आराम से टोस्ट कर दो. रेसिपी देखना तो देख लो फटाफट, ठीक है, लिंक है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो फटाफट मैं अपना डिनर कर लेती हूँ, ठीक है. एंड मैं ट्राई करते करते थोड़ा सा जल गया, फिर भी इसका क्रंचीनेस बरकरार है, टेस्टी लग रहा है, ऐसा नहीं कि पूरा खाने लायक भी नहीं है. थोड़ा सा जल गया क्योंकि टोस्ट पिज्ज़ा बन गया. तो I'm enjoying my toast pizza. आप वीडियो देखते रहो, ठीक है. एंड फाइनली सो स्टॉपर ऑफ द डिनर, रसमलाई. और कमेंट करना आपको कौन सा मिठाई पसंद है, ठीक है. मुझे तो रसमलाई बहुत पसंद है. तो अभी मैं ख़त्म करने वाली हूँ मेरा दूध. तो गाइज, अगर अभी तक आप लोगों ने अगर इतना तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना. तो ये था मेरा दिन भर का व्हाट आई ईट इन अ डे वाला ब्लॉग. अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना इन द कमेंट सेक्शन. और चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना. तो या गाइज, गुड नाइट, विल बी बैक विद अनदर ब्लॉग. स्टे ट्यून्ड एंड रिमेंबर, आई लव यू सो मच. बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग.